एक ओर देश में बागेश्वर बाबा को लेकर चर्चा छिड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर एक मुंबई के अघोरी बाबा का नाम किडनैपिंग केस में सामने आ रहा है। मुंबई के एक कथित अघोरी बाबा ने तांत्रिक अंधविश्वास के जाल में फंसाकर राजस्थान के जयपुर में हीरा जवाहरात का कारोबार करने वाले एक बिजनेसमैन से लाखों रुपए ऐंठ लिए। यही नहीं, तांत्रिक ने तंत्र मंत्र से बिजनेसमैन की पत्नी और बच्चे को भी किडनैप कर लिया और माँ बेटे को छोड़ने की एवज में 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर दिया। अब इसको लेकर पीड़ित अमित ने कोर्ट के जरिए जवाहर नगर थाने में आशीष अघोरी नाम के बाबा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आइए आपको अमित के वकील से सुनवाते हैं आखिर पूरा मामला क्या था। अमित सोनी जवाहर नगर जयपुर निवासी हैं। ये हीरा जवाहरात का इनका व्यवसाय है। लॉकडाउन के दौरान पूजा पाठ में काफ़ी रहते थे और शिव के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते थे। वहाँ इन्होंने एक आशीष अघोरी नाम के बाबा का वीडियो देखा जो शिव के बारे में बता रहे थे, जिसके नीचे आशीष अघोरी ने अपने नंबर दे रखे थे। तो अमित ने बाबा को कॉल किया और अपनी पत्नी से भी बात कराई। धीरे धीरे बाबा पत्नी से बात करते करते पत्नी के ही नंबर ले लिए और सीधे उनसे बात करने लग गए और उनको कहा कि मैं ही शिव हूँ, मैं शिव का रूप हूँ और तुम माँ भगवती का रूप हो। पिछले जन्म में हम पति पत्नी थे और ये तुम्हारा पति जो अमित है, ये पिछले जन्म में भी हमारा दुश्मन था और इस जन्म में भी हमारा दुश्मन है। इस तरह की बातें उसको कह के पूरी तरह मानसिक रूप से अपने कब्जे में ले लिया। और इसके बाद ये यहाँ पे जयपुर आया। जयपुर एक बार होटल में और दूसरी बार अमित के घर पे रुका। घर पे इसने कई तांत्रिक क्रियाएं की और नशा भी किया। घर पे ही नशा तैयार भी करते थे और वहीं नशा करते थे। उसके बाद एक बार इलाहाबाद बुलाया, जहाँ पे शंकेश्वर और दीपक दुबे नाम के व्यक्तियों से भी मिलवाया। उन्होंने अमित की पत्नी को महामंडलेश्वर की उपाधि दिलाने के नाम पे उसे पैसे ठगे। समय समय पर बाबा श्राप देने का डर दिखाकर अमित से पैसे ऐंठता रहा। 10 नवंबर को बाबा ने टिकट बना के बॉम्बे से फ्लाइट की टिकट अमित की पत्नी और बेटे की भेजी। अमित को बिना बताए वो वहाँ से फ्लाइट पकड़ के बाबा के पास चले गए और उसी के पास रह रहे हैं। जब अमित अपने साले को लेकर बॉम्बे गए तो वहाँ पे एड्रेस पे पहुँचे तो वहाँ फ्लैट आसपास के फ्लैट वाले ने बताया कि बाबा अनैतिक कार्यों में लिप्त था और नशे का कारोबार करता था, इसलिए हमने उनसे फ्लैट खाली करवा दिया है। अब अमित की पत्नी और 10 साल का बेटा उसके साथ ही रहते हैं। ये आशीष अघोरी पंथ का बाबा है, जहाँ पे कई तरह के कर्मकांड किए जाते हैं और नशे किए जाते हैं। अमित की पत्नी और उसके 10 साल के बच्चे को भी कई तरह के नशे दिए जाते हैं। इन्होंने बॉम्बे पुलिस से भी संपर्क किया लेकिन वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिली। अभी जवाहर नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें आगे कार्यवाही होनी है। आपको बता दें कि 10 नवंबर को जब पीड़ित अमित अपने घर लौटा तो पत्नी चांदनी और 10 साल का बेटा गायब था। जब अमित ने पत्नी को कॉल किया तो उसने बताया कि बाबा ने फ्लाइट का टिकट बनवा कर भेजा था और वो बेटे के साथ मुंबई के आश्रम में थी। उसके बाद से ही कथित अघोरी बाबा ने माँ बेटे को डरा धमका कर मुंबई में बंधक बना लिया। जब पीड़ित ने कथित बाबा से संपर्क किया तो पत्नी और बच्चों को छोड़ने के बदले बाबा ने 3 करोड़ रुपए की मांग की और चेतावनी दी कि पुलिस में रिपोर्ट दी तो माँ बेटे को जान से मार देंगे। हालांकि अमित ने 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।